दोस्तों अभी हमें कर रही मछरिया में और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, वहीं पे आए हुए हैं। प्रशांत का कुछ काम है तो प्रशांत अंदर गया हुआ है और हम लोग अभी जा रहे हैं शूट पे, मतलब कि बहुत दिन से गए नहीं फोटो पर क्लिक करने के लिए, तो हमने सोचा चलो 2-4-10 फोटो क्लिक कर लेते हैं होली से पहले और फिर 27 तारीख को निकलना है गाँव के लिए। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और जब वेट करते हैं थोड़ा प्रशांत आता है फिर यहाँ से निकलते हैं। तो देखो ये है मेरा कैमरा, ये है बैंक ऑफ इंडिया BOI। प्रशांत महाराज निकले फिर निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, जहाँ हम आए थे फोटोशूट के लिए अभी वहाँ आ चुके हैं और आप देख सकते हैं पीछे पूरा टनल टाइप का बना है, देखो कितना दूर तक। और ये कहाँ है वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहस्य में बात है, वो पानी टपकता रहता है उसका कोई पता नहीं लगा। पानी टपकता रहता है यहाँ पे कहीं कुछ जगह पे, उसका कोई पता नहीं है कैसे टपकता है, कहाँ से टपकता है। कोशिश करेंगे हम आपको आज उसका राज खोलने की, आखिर क्या राज है। बहुत बड़े वैज्ञानिक, हालांकि बहुत बड़े वैज्ञानिक आकर के यहाँ पे उसका पता नहीं लगा पाए, पर हम आपको पुख्ता सबूत के साथ बताएंगे लोचा क्या है। देखो फिर जो ये फोटो खींच रहा होगा चश्मे से, किसी का चश्मा मिल गया यहाँ पे क्योंकि रख करके कोई फोटो खींच रहा होगा और मिल गया, चलो रखो तुम देखे कैसा है, ठीक है फोटो खींचने लायक। ये देखो इधर ऐसे ये लोकेशन है, ये देख सकते हैं आप जो हम लोग इसके अंदर है। इधर देखो ये समुद्र टाइप का है, प्रशांत महासागर में आ चुके हैं, प्रशांत हमारे साथ में है, महासागर नीचे मिलकर के बन गया प्रशांत महासागर। ये है महासागर और ये है मिस्टर प्रशांत, मिलकर के बना है प्रशांत महासागर। लेकिन काफी अच्छा यार ये देखो टर्नल बना, जा कहा रहे यही खींचो ना, पानी का रहस्य देखने। अच्छा पानी टपकता वो मिले नहीं है, पावर के तो हाल खराब है यहाँ। भैया ये देख रहे हो ये जो पानी भरा हुआ है यहाँ, ये तो ये पानी आता रहता है यहाँ, पता नहीं कहाँ से आता रहता है ये नहीं आते पता चला है, लेकिन यहाँ पे पानी ये जो है ये पानी ये हमेशा भरा रहता है। लेकिन जो है ये पुल है, पुल के नीचे टनल बना है, पर टनल में पानी कहाँ से आता है, पुल के ऊपर रोड है, रोड के ऊपर तो कोई पानी नहीं, लेकिन यहाँ फिर भी पानी आता है, ये सबसे बड़ी यहाँ पे रहस्य की बात है। तो जहाँ तक हमने कोशिश की है कि रहस्य की बात आपको बताने की, ये रहस्य आज पहली बार हमने खोला है कि जो पानी आता है ऊपर रोड है और कोई पुल मतलब नदी नहीं है ना कोई तालाब है, फिर भी पानी आता रहता है, यह रहस्य की बात है कि पानी आता है कहाँ से आता है यह नहीं पता चला है। लेकिन हमने आपको ये बताया है कि ऊपर कोई भी पुल नहीं है, नदी नहीं है, सॉरी पुल तो है पर नदी नहीं है, तालाब नहीं है, पानी आता है पुल के, जैसे मान लो दीवार है यहाँ से पानी निकलता है, कैसे निकलता है ये पता नहीं है। ये मेरा मेन चैनल है और एक चैनल और है ओवरो व्लॉग, जिसपे ये वाला वीडियो डालेंगे हम, वो ओवरो व्लॉग का ये वाला। तो अभी हमको ये भैया मिल चुके हैं, ये बोल रहे थे कौन सा तुम्हारा चैनल है हमें बताओ हम भी वीडियो देखेंगे। क्या नाम है आपका भैया? रजत कुमार। रजत कुमार। आपका भैया? रोहित। रोहित क्या देखने आते हैं आप? बस वही पानी देखने आए थे। कैसे पता चला आपको? यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब के थ्रू इनको पता चला कि यहाँ पे पानी टपकता रहता है लेकिन वो पता नहीं चलता कहाँ से आता है, तो देखने आए थे लेकिन उसका भी पता नहीं चला कैसे आता है, लेकिन हमने हमको भी नहीं पता चला जब इनको नहीं पता चला। हम तो अपना काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है। प्रशांत भैया का कहना है कि पुल के इस पार जब आए तो इधर दूसरी दुनिया है, दुनिया कैसे दूसरी यार, हमको दिख रहा है ना, लेकिन ये हमें लग रहा है इसमें नदी वदी जिंदगी में कभी बहती होगी, बहती नहीं बाढ़ आती है, ये तब बहती होगी जब मतलब कि स्वर्ग हुआ करता था सतयुग द्वापर युग, दिन जब बाढ़ आई थी तब हो सकता है वो साला, ये अंग्रेजी का जमाने का जो लहरों में है मतलब कि पुल है, अंदर चला जाएगा नहीं जुगाड़ होता तो तुम अकेले चले, जब यहाँ से तुम्हें कैमरा पकड़ा दे। वो
पकड़ लिया तो बहुत मारेगा। कैमरा कहने ले जाने पता नहीं कहने ले जाने देते चूतिया है। हाँ भाई यही हमें पता, यही पानी का होगा, ये पानी कहाँ से निकलता है देखो, ये यहाँ तो कहीं पानी ऊपर नीचे है ही नहीं तब भी पानी निकल रहा है। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन पानी से क्या मतलब है बेटा, लेकिन ईंटों से पानी कहाँ निकल रहा है, लोचा ये है ये वाला पानी, पानी थोड़ी ना होती है तो उसमें वो बनाए क्या बोलते हैं गड्ढा नाली टाइप की तो निकलेगा निकलेगा जब बनाए सूखी सूखे उनतालीस सौ नब्बे को तब के जमाने में कुछ और ही कहते हो। हाँ सही बात है, और राजा राजा का नाम लिखाओ उधर की भाषा में, कहा 1750 लिखाओ और राजा राजा का नाम लिखाओ, लेकिन हम लोगों को लग रहा है 1990 लिखा था, कौन सी भाषा लिखी है। पुराने जमाने के लोग होते थे वो भविष्यवाणी करते थे, उस तरीके से क्या हुआ देखिए, पहले 2015 का उन्होंने जिक्र किया, 16, 17, 18, 19, फिर उनको पता चला 2020 जो है वो बहुत बेकार है, उसमें कोरोना आएगा इस वजह से उन्होंने, देखिए आप देख सकते हैं 2019 के बाद सीधा उन्होंने 21 कर दिया, बीच में कोडिंग डाल दी, कर दिया इसको, कर दिया कोडिंग 3990, इसका मतलब इतने लोग कोरोना से देश में मरने वाले हैं, मरने वाले और मर चुके हैं इससे ज्यादा, लेकिन ये कानपुर का पुल है इसलिए कानपुर की संख्या लिखी हुई है, यानी कानपुर में 3990 लोगों को खतरा है 2019 और 21 के बीच में, यानी 2020 बहुत ही बेकार जाने वाला। प्रशांत भाई ने इतनी बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए तालियां, और अगर इच्छा हो तो साधु दो चार गालियां क्योंकि ये बहुत बड़े भविष्यवाचक इंसान है, फ्यूचर देख के बता देते तुम्हारा शादी कितनी होंगी बच्चे कितने होंगे, बाइक कड़ी मारे इतने ऊपर। बोला तो लोग करीब आदमी साधु लगे भैया।